हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्प्रे के बारे में। दोस्तों, हमारे पास कुछ हेयर स्प्रे है जो हम आपको बताने वाले हैं कि उसको कैसे आपको यूज़ करना है। दोस्तों, ये जो हेयर स्प्रे है इसमें कंपनी ने लेवल भी दिया हुआ है कि आपको कौन से लेवल पे यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि लेवल जो है उसको लेवल वाइज कैसे हेयर स्टाइल के लिए यूज़ करें, ठीक है। दोस्तों, इसकी आज की वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हेयर स्प्रे है मेंस और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया, लेकिन आप सब लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये जो है हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको जो यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कंपनी ने कुछ लेवल दिया है, कैसे यूज करना है आपको हम वही बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा चार पीस जो है, फोर पीस में हमारे पास जो हेयर स्प्रे का आया है, ठीक है। इसमें तीन जो पीस है गैट्सबी का है, और एक जो है हमारा बेरीना कंपनी का है, ठीक है। हम एक एक प्रोडक्ट लेके आपको समझाएंगे कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, जो फर्स्ट वन हमारे पास है जो गैट्सबी का जो हेयर स्प्रे है, ठीक है। इसके अगर क्वान्टिटी की बात करें तो ये 200 ml क्वान्टिटी है, प्लस आपको 50 ml क्वान्टिटी आपको एक्स्ट्रा दी गई है, और टोटल क्वान्टिटी आपको 250 ml आपको यूज़ करने को मिलते हैं। अगर इसकी MRP की बात करें तो ये आपको 200 की MRP में है, ठीक है। ये जो हमारे पास जो सिल्वर कलर का है, सुपर हार्ड है, इस रेगुलर यूज़ होता है ये, ठीक है। अगर ये ब्यूटी पार्लर या फिर आपका घर पर भी आपको हेयर स्टाइल के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, रेगुलर मीडियम ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास जो दूसरा पीस है ये वाला ब्लैक का है, ठीक है। ये जो है गैट्सबी का ये हेयर स्प्रे है, और ये एक्सट्रीम होल्ड के लिए है। इसका जो लेवल है ये 5 नंबर है, आप देख सकते हो। ये 5 नंबर का जो हेयर स्प्रे है आप यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हमने 4 नंबर का जो हेयर स्प्रे बताया था उनसे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये ज़्यादा होल्ड करता है उनसे कंपेयरिंग में। अगर ML की बात करें तो ये 250 ml ही आपको मिलता है, और MRP सेम रहती है उसकी, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास जो हेयर स्प्रे है ये है गोल्डन कलर का, ठीक है। ये 7 नंबर का हेयर स्प्रे है, ठीक है। आप देख सकते हो ये 7 नंबर का जो है आपके हेयर स्प्रे, ये ज़्यादा होल्ड होता है, ये अल्ट्रा हार्ड हेयर स्प्रे है, ठीक है। अगर आप कोई हैवी हेयर स्टाइल करना चाहते हो या फिर कोई हैवी आप स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो ये गैट्सबी का जो है, ये गैट्सबी का जो आप हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो लेवल है, लेवल इसी के लिए दिया गया है कि आपको कैसे हेयर स्टाइल के लिए कितना होल्ड चाहिए, इसी के लिए ये नंबर दिया गया। आपको ज़्यादा होल्ड चाहिए तो आपको होल्ड के लिए ये 7 नंबर यूज़ करना है। अगर आपको कोई मीडियम लेवल में आपको हार्ड नहीं चाहिए, आपको मीडियम होल्ड करना है, तो आप ये 5 नंबर का यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा होल्ड नहीं है, नॉर्मल है, तो आप रेगुलरली ये वाला 4 नंबर का यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये जो लेवल का जो बात मैंने बताया वो सेम वैसे ही होता है कि लेवल वाइज आपको जितनी हेयर स्टाइल होल्ड करना है इसी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको ज़्यादा होल्ड की ज़रूरत अगर पड़ती है आपको हेयर स्टाइल के लिए, तो आप 7 नंबर का यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, ये मार्केट में हर जगह पे आपको मिल जाएगा। और गैट्सबी का जो हेयर स्प्रे ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर और सैलून में यूज़ होता है, लेकिन आप इसे घर पर भी यूज़ करना चाहते हो हेयर स्टाइल के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा था। और चौथा जो हमने आपको बताया था बेरीना का जो हेयर स्प्रे है, ठीक है, ये वाला जो है ये हेयर शाइन हेड स्प्रे है, ठीक है। वो 250 ml की क्वांटिटी में आता है, और अगर उसकी MRP की बात करें तो ये 525 की MRP में आता है, ठीक है। ये होल्ड स्प्रे ही है, आपको जब भी आप यूज़ करते हो होल्ड के लिए आपको ये हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि आपको जब भी कोई हेयर स्टाइल बनाते हो, अगर आपकी हेयर स्टाइल पसंद नहीं आती या फिर कुछ में डिफरेंट होता है या फिर फोल्ड होता है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो ये बेरीना का हेयर स्प्रे जो है आप उसका यूज़ करके आप हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो है हेयर स्प्रे अगर आप एक बार हेयर स्टाइल बना लेते हो तो उसमें यूज़ करके आप दूसरी बार उसमें हेयर स्टाइल नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये होल्ड स्प्रे है, एक ही बार यूज़ होता है हेयर स्टाइल के लिए, ठीक है, होल्ड के लिए, ठीक है। दोबारा आप उसमें चेंज नहीं करते हो, लेकिन आपको अगर हेयर स्टाइल चेंज करना है तो आपको ये बेरीना का जो हेयर स्प्रे मैंने आपको बताया वही यूज़ करना होगा। ये यूज़ करने से बाद आप हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ये ऐसे बहुत अच्छी बात है। ये तीनों जो हमने बताए, चारों को चारों हेयर स्प्रे बहुत ही अच्छा आता है, और कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी आती है, ठीक है। आप अपने हेयर स्टाइल के लिए ये सब यूज़ कर सकते हो आराम से। लेकिन डिफरेंट इतना ही था, मैंने बताया आपको जो है कौन सा हेयर स्प्रे आपको यूज़ करना चाहिए, कौन से हेयर स्टाइल के लिए ही आपको डिफरेंट इतना ही है इसमें, ठीक है। ये तीनों चारों में वही डिफरेंट है, और आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
बता सकते हो, हम आपके लिए ऐसी ही एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।